यार विद्युत जामवाल भाई, क्या कर दिया आपने? क्यों हो आप इस मूवी में? क्या कर रहे हो यार? यारी के किस्से बहुत सुने गए हैं और काफी सारी मूवीज बॉलीवुड में बनी है यारी के ऊपर, यानी दोस्तों की कहानियों के ऊपर। और ऐसी ही फिल्म लेके आ गया है अब जी आपके सामने, जिसका नाम है यारा। करेंगे आज इसी का रिव्यू, हम आपके सामने बताएंगे सारी चीजें इस मूवी के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे सबके हाल चाल। मैं नमंजन आपके लिए लेके आ गया हूँ यारा फिल्म का रिव्यू, जिसमें मेन कास्ट में है विद्युत जामवाल, अमित साध। और ये स्टोरी मैं पहले मिथ बस्ट कर देता हूँ इस मूवी के बारे में, यानी फैक्ट क्लीन कर देता हूँ। और ये मूवी रीमेक है एक फ्रेंच फिल्म अ गैंग स्टोरी का, जो कि एक गैंग के ऊपर है। और इस फिल्म में भी जो गैंग का नाम है वो है चौकड़ी, जिसमें चार लोग हैं और काफ़ी फेमस ये गैंग हो जाती है, जो तरह तरह के धंधों में इन्वॉल्व होती है। और ये लोग करते हैं गैरकानूनी असलाह होते हैं, ड्रग्स होते हैं, और चीज़ें जो सप्लाई होती हैं वो इंडिया से नेपाल की तरफ, और ये बहुत स्मूथली चल रहा होता है। लेकिन ये सारे गैरकानूनी धंधे पुलिस की नज़रों में आने लगते हैं धीरे धीरे। इस गैंग में चार मेंबर होते हैं, फागुन, मितवा, रिजवान और बहादुर। फागुन यानी कि विद्युत जामवाल और जो मितवा यानी कि अमित साध हैं, वो एक गाँव से निकल कर आते हैं और काफ़ी वो इस धंधे में लग जाते हैं। फिर बचपन में उनके साथ कुछ हादसा होता है, इसके बाद चौकड़ी गैंग बन जाती है, वहां पर उनको दो मेंबर और ज्वाइन करते हैं। फागुन यानी कि विद्युत जामवाल इस गैंग के लीडर हैं, और बहादुर इस गैंग का एक तरह से माइंड है, जिनको आप कह सकते हो, और वो इस गैंग को अपने दिमाग से चलाते हैं। हालांकि रिजवान थोड़े से दिल फेक आशिक हैं और वो किसी भी लड़की को देख के उनका दिल डोल जाता है। और जो मितवा का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा गुस्सेल कैरेक्टर है। तो यही सब इस मूवी में है। नेपाल बॉर्डर पे जब ये लोग सप्लाई करने लग जाते हैं, लेकिन फिर बाद में पुलिस की नज़रों में धीरे धीरे आने लगते हैं। इसी बीच विद्युत की लाइफ में आती है सुकन्या, और वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं। और उसके प्यार में पड़ने के बाद कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, और क्या गड़बड़ होती हैं ये सब आप मूवी में देख लेना। क्या होगा इस गैंग का एक अंजाम, या फिर क्या ये गैंग करती है, और क्यों इस गैंग को पीछे पुलिस पड़ी है, क्या होता है पुलिस से बच पाएंगे कि नहीं यार, क्योंकि हमने बहुत सी मूवी में देखा है कि पुलिस जब पीछे पड़ जाती है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मूवी का एंडिंग थोड़ी अलग है, तो आप वो सब आराम से देख सकते हो मूवी में। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि मूवी को मैं आप कितने स्टार दूंगा, पहले सबसे पहले हम जो बात करते हैं, तो मैं मूवी को मुश्किल से 2 स्टार दे पाऊंगा, क्योंकि मूवी कहीं भी इम्प्रेस नहीं करती। और मैं ये कहूँगा कि यार विद्युत जामवाल भाई, क्या कर दिया आपने? क्यों हो आप इस मूवी में? क्या कर रहे हो यार? तो मैं यही कहूँगा कि विद्युत जामवाल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मूवी इम्प्रेस नहीं करती है। तो इसलिए ही मैं एक्टर्स की एक्टिंग यानी विद्युत या फिर अमित साध और श्रुति हासन जो कि सुकन्या के रोल में है, उनके लिए मैं दूंगा इस फिल्म को 1 स्टार। और 1 स्टार में इनकी जो दोस्ती दिखाई गई है वो अच्छे से दिखाई गई है, और जो 1-2 मोमेंट्स हैं मूवी में कुछ अच्छे लगे हैं हमें, तो उसके लिए मैं 1 स्टार दे दूंगा। 1 स्टार मैं काट दूंगा इसके स्क्रीन प्ले के लिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्शन किया है, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता कि उन्होंने 5 दिन तोमर जैसी मूवी बनाई है और फिर ये मूवी। तो मुझे नहीं पता उन्होंने मूवी क्यों बना दी और कैसे बनाई, क्या सोचकर बनाई गई है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अच्छे से डायरेक्शन है और कहानी सही से कही गई है। बस चलती रहती है कहानी, आप देखते रहते हो और आपको यही लगता है यार क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, इस मूवी में हमें कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब एक जो होता है 2 गैंग्स में टकराव, या फिर कुछ ऐसा हीरो विलन वाला फाइट, या कुछ ऐसा मसाला इस मूवी में देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि मसाला डालने की बहुत कोशिश की गई है। 1970 के मुद्दों पे उठाया गया है और इमरजेंसी की कहानी दिखाई गई है, और स्टूडेंट का थोड़ा सा एक आंदोलन था उस टाइम पे, तो वो सच्चे घटनाओं से जोड़ने की भी कोशिश की गई है मूवी को, लेकिन कहीं भी हम इम्प्रेस नहीं हो पाते। तो डायरेक्शन बहुत ख़राब है इस मूवी का। 1 स्टार मैं काटूंगा ओवरऑल फिल्म की लेंथ के लिए, क्योंकि 2 घंटे की जो ये फिल्म है, आप कहीं ना कहीं लंबी आपको महसूस होने लगती है ये मूवी। और 1 स्टार मैं काटूंगा इसकी कमज़ोर राइटिंग, या राइटिंग क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि राइटिंग ये रीमेक था, तो रीमेक में हमें कहीं ना कहीं, हमारे पास जब कहानी अच्छी होती है तो हमें उम्मीद होती है यार कि कुछ अच्छा बन के आएगा, लेकिन बॉलीवुड का इतिहास जो रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है, और वो रीमेक के मामले में कुछ ज़्यादा ही बैड लक हम कहेंगे रहता है। तो ऐसा ही कुछ मूवी के साथ भी जाता है, तो 1 स्टार उसके लिए भी कटेगा, क्योंकि कहानी होने के बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यही कहूंगा मैं कि आप लोगों का मन है, अगर आप लोग विद्युत के फैन हो तो इस मूवी को देख सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको आराम से स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस मूवी को स्किप करने के लिए। तो
बात यही है कि यार मूवियां बन रही हैं, मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अच्छे कलाकारों का टैलेंट ऐसे जब बर्बाद होता दिखता है ऐसी मूवीज में, तो समझ नहीं आता कि क्या कहें क्या ना कहें। और ऐसा ही कुछ मुझे विद्युत और अमित साध के साथ इस मूवी में नजर आ रहा है, क्योंकि मूवी कहीं भी इंप्रेस नहीं करती। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं थिएटर में ये देखने मूवी जाता, तो मैं शायद बिल्कुल कहूंगा कि मैं कभी नहीं पैसे खर्च करता इस मूवी को देखने के लिए अपने एक भी, क्योंकि मूवी में मैं ये कहूंगा कि कमजोरी यही है कि जो चीजें दिखाई गई हैं वो उतना अच्छा इंप्रेसिवली हम लोगों को नहीं दिखाई गई है। और कहीं से भी अगर KGF आप देखो, उसमें जो पुराना जमाना दिखाए थे, क्या चीज दिखाई गई थी और कितने अच्छे से उसको डायरेक्ट किया था, दिखाया गया था, स्क्रीन प्ले कितना अच्छा था, लेकिन वो कहीं भी हमें इस मूवी में नजर नहीं आता है। एक अच्छी मूवी बन सकती थी, लेकिन फिर भी कमजोर पड़ गई है मूवी कहीं ना कहीं। और मैं यही कहूंगा कि मूवी ने काफी मेरे को निराश किया, और शायद आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों को भी शायद कुछ ऐसा ही लगेगा। तो मैं यही कहूंगा कि बाकी आप लोगों का जजमेंट है, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे, रिव्यूज लेके आते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहो। अगले काफी सारे रिव्यूज आने वाले हैं कल परसों मेरे, तो मैं यही कहूंगा कि बने रहो हमारे साथ, क्योंकि काफी सारे मूवीज 3-4 रिलीज हो रही है, एक सीरीज भी आ रही है, तो सबका रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो कहीं पे भी जहां आपका मन करे, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह। तो हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहो यार। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर देना लाइक, और कुछ भी पसंद नहीं आया तो यार कमेंट करके बता दिया करो, या फिर कुछ भी पसंद आया है और कोई भी सजेशन है प्लीज कमेंट करके हमें बता दो, तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।